हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसीलिए क्योंकि आज जो मैं वीडियो करने वाली हूँ ये उस वीडियो का पार्ट टू होने वाला है जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट वंस, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग वीडियोज़। सो मेरी एक ही लौती ऐसी वीडियो जिसने 300K प्लस व्यूज़ क्रॉस किए हैं अदर देन माई डांस वीडियो। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बता देती हूँ आज की वीडियो क्या होने वाली है। सो आज की वीडियो होने वाली है ट्राइंग कॉकटेल ड्रेसेस फ्रॉम अर्बेनिक पार्ट टू। सो इस वीडियो को बनाने के दो तीन रीजंस, एक तो ये कि अभी शादी का सीज़न शुरू होने वाला है, मतलब आ ही गया है, तो कॉकटेल ड्रेसेस बहुत यूज़ होती है फॉर प्री वेडिंग शूट्स, कॉकटेल पार्टीज एंड अदर पार्टीज़। दूसरा ये कि मैं अभी अर्बेनिक लाइक मैं तो देखती रहती हूँ क्या नया वहाँ पे चल रहा है, तो बहुत ही नया कलेक्शन वहाँ पे है और बहुत टाइम के बाद मुझे कॉकटेल ड्रेसेस में कुछ वहाँ नया दिखा और बहुत ही प्यारे प्यारे से गाउन से, तो फिर मेरा मन कर गया कि मैं खरीद लेती हूँ। और तीसरा रीज़न ये कि आप लोग भी चाहते थे कि मैं उस वीडियो का पार्ट टू बनाऊँ। सो चलो शुरू करते हैं। ऑल्सो गाइज, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वाइट आई लाइनर। मैंने पता नहीं, मैंने ना पहली बार लिक्विड वाइट आई लाइनर मंगवाया, तो जब से मैंने इसको मंगवाया, मैंने एक तो इसको नया जब मैंने इसको खोला मैंने तभी लगा लिया विदाउट मेकअप, और अब मैं रेडी हुई तो मैं इसको दोबारा लगा के देखा, मुझे ऐसा लग रहा है यही हाईलाइट हो रहा है, मेरी शक्ल ही नहीं दिख रही है। बट अब इसको क्लीन करूँगी फिर शूट करने बैठूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो गया। सो आज मेरे इसी चेहरे से मैनेज कर लूँ। चलो मैं अपना बॉक्स लेके आती हूँ। सो हियर इज़ माई बॉक्स। बहुत ही बड़ा बॉक्स आया है मुझे इस बार, लाइक पहली बार ही मुझे अर्बेनिक से इतना बड़ा बॉक्स आया है, और इस बार मैंने इसको पहले ही खोल लिया है, वो इसीलिए क्योंकि ना मैंने इन कॉकटेल ड्रेसेस गाउन्स के अलावा भी एक दो कैजुअल वेयर की चीज़ें मंगवाई थी अपने लिए, तो मुझे उनकी नीड थी तो मैंने इसको खोल लिया। बट मैंने ड्रेसेस नहीं खोली है, वो मैं आपके सामने खोलूँगी। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट ड्रेस। सो फर्स्ट वी हैव इज दिस, और ये है कट आउट कॉकटेल ड्रेस, और ये चार कलर्स में है। बट क्या होता है ना, गोल्डन सिल्वर ये सब कलर्स तो मैं मंगवाती ही रहती हूँ, बट ऐसे अलग अलग से कलर ब्लू ग्रीन ये सब रह ही जाते हैं, तो इस बार मैंने ना कुछ ऐसे कलर्स पे ज़्यादा जाने की कोशिश की है। ओके सो वैसे तो ये बिल्कुल बेसिक सा ही गाउन मुझे लग रहा है, प्रिटी सा ब्लू कलर है इसका, बट एक यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ी सी डिटेलिंग दी हुई है इस एरिया पे, देन एक कट यहाँ पे है, स्लिट छोटा सा स्लिट यहाँ पे दिया हुआ है नीचे की साइड। लेंथ मुझे इसकी बहुत लंबी लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हाई हील्स पहननी पड़ेगी इसके नीचे। और अगर इसके मटेरियल की बात करूँ तो मुझे इसका सीक्विन काफ़ी कंफर्टेबल सॉफ्ट सीक्विन लग रहा है, क्योंकि मुझे सीक्विन से बहुत इश्यूज़ होता है, अगर वो थोड़ा भी चुभने वाला हो ना, स्पेशली मेरी स्किन पे तो थोड़ा भी अगर वो चुभे ना तो लाल लाल से स्पॉट्स बन जाते हैं। सो सीक्विन सिर्फ मुझे ही नहीं, आई गेस सबको ही परेशान करते हैं अगर वो चुभने वाले हो तो, बट इसका मुझे अच्छा लग रहा है। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड इसको ट्राई करने के लिए, बाकी सब कुछ तो इसको पहनने के बाद ही पता चलेगा इसका फिट वगैरह कैसा है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। सो गाइस, ये पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, इसके फिट ने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, ये मुझे उतना अच्छे से फिट नहीं हो रही है, अजीब सी यहाँ से भी ढीली सी और अजीब, मतलब आई डोंट नो, बट मुझे इसका फिट उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। और जैसे मैंने कहा था बिल्कुल सिंपल सी ही ड्रेस है ये, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा कटआउट डिटेल है, एक स्लिट यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने। कलर बहुत प्रिटी है इसका, और ये इसके अलावा भी आई थिंक तीन कलर्स में और अवेलेबल है। सो अगर आप बिल्कुल ही सिंपल ड्रेस ढूंढ रहे हो येट बहुत सेक्सी सी लगे तो आप इस पर जा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही कवर्ड सी ड्रेस है, बट इसका फिट का ही मुझे थोड़ा सा इशू है। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा फिट कराऊंगी तो ये डेफिनेटली ये भी सुंदर लगेगी। बट इसका एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी वो इसका ये है, अगर मैं थोड़ी भी हाथ उठा रही हूँ तो ये बहुत ही अजीब सा वियर्ड सा हो जा रहा है, तो वो मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आई वो चीज़। और इस ड्रेस के साथ भी वही सीन है कि आप ड्रेस पहनो और आप पार्टी रेडी हो जाते हो, बहुत ही मिनिमल सी ज्वेलरी कैरी करो एंड यू आर गुड टू गो। सो ये भी मुझे अच्छी लगी, बस थोड़ा सा फिट का इशू लगा, बाकी तो इट्स नाइस। मटेरियल भी सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ये भी पहनने में। मुझे अभी याद आया, मैंने जब लास्ट टाइम कॉकटेल ड्रेसेस वाली वीडियो शूट की थी तो मैंने उसमें एप्पी और शिखा से गाउन सेलेक्ट करवाए थे, फिर मैंने पहने थे, दैट वाज फन, बट मैं भूल गई। कोई ना, इस बार हम ऐसे कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ऐसे करूँगी। सो नेक्स्ट वी हैव इज दिस, और ये है फ्रिंज कॉकटेल ड्रेस। ओके, ये है इसका फ्रंट कुछ ऐसे, एंड देन दिस इज द बैक, और इसमें ऐसे फ्रिंज वाला डिटेलिंग है तो इसलिए फ्रिंज कॉकटेल ड्रेस है। बट इसका जो मुझे एक चीज़ लग रहा है वो ये कि इसका ये स्किन कलर इसमें इतना विजिबल नहीं हो रहा है, बट यहाँ से तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, कुछ अलग सा स्किन कलर का कपड़ा इन लोगों ने लगाया हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ पहनने के बाद कैसी लगेगी, वो तो पहन के ही पता चलेगा, अदरवाइज ये मुझे अच्छी लग रही है।
सो और मैं इसके बारे में क्या ही बोलूँ, ये मुझे लूज़ क्यों लग रही है पता नहीं यार, लूज़ मेरे को ऐसे वहम होते रहते हैं। एनीवेज चलो इसको ट्राई करते हैं, बाकी तो मुझे आई थिंक ट्राई करके पता चलेगा ये कैसा लग रहा है। ओके, सो इस ड्रेस को लेके मेरे थोड़े मिक्स से फीलिंग्स हैं, मिक्स से फीलिंग्स क्यों, ये कभी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है और कभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ इसको लेके। इसका एक रीज़न तो ये है कि इसका जो ये वाला नेट वाला एरिया, आई डोंट नो ये क्यों दे रखा है, नहीं देते तो भी चलता, ऊपर से या तो इसका फिट बहुत अच्छे से होता कुछ ऐसे, ये अजीब से ऐसे उठा उठा सा यहाँ पे रह रहा, तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है इसकी। बट गाइस अपार्ट फ्रॉम दैट, आप देखो इसकी बैक बहुत सुंदर है, वो इसीलिए अच्छी लग रही है क्योंकि पीछे ना फिट बहुत अच्छा आ रहा है। सो ये फिट अगर आगे होता तो डेफिनेटली इस ड्रेस में मुझे कोई कमी नहीं लग रही है, ये बहुत सुंदर लग रही है। बट ये मुझे नहीं लगता मैं किसी नाइट कॉकटेल या पार्टी में, ये मुझे वो नहीं होती बीच साइड पार्टीज जो होती हैं, जो बीच पार्टीज होती हैं, आई थिंक उस पर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कुछ वही फील है। और थोड़ा ही मूव करो आपकी ड्रेस ज़्यादा मूव करेगी सी, तो ऐसा लगेगा कितना खतरनाक आप डांस कर रहे हो और आप इन रियलिटी कुछ नहीं करते हो। सो और मुझे ये बहुत ही डिफरेंट सी ड्रेस लगी और बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने के बाद, मैं इसमें काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, कुछ अलग सा है, तो दिस इज़ ऑल्सो नाइस, मुझे ये पसंद आई, अच्छी लग रही। हाँ थोड़ी सी वेस्ट लूज है मेरी, मैं इसको थोड़ा सा टाइट करवा सकती हूँ तो और बेटर लुक इसका आएगा, अदरवाइज ये अच्छी है, दिस इज़ नाइस। स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी बट अब जब मैं कैमरा पे देख रही हूँ तो ये कैमरा पे बहुत सुंदर लग रही है, तो दिस इज़ नाइस। तो नेक्स्ट इज़ दिस, और ये है स्प्लिट कॉकटेल ड्रेस, इसका मटेरियल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। सो ये इसका फ्रंट है, देयर इज़ अ स्लिट एट द फ्रंट, और ये है इसका बैक, बिल्कुल ही बेसिक से सिंपल सी ड्रेस है बट इसमें ना ये लाइक जो भी मॉडल है उसके ऊपर पहनी हुई बहुत स्मार्ट, बहुत ही सेक्सी लग रही थी। इसमें तीन कलर्स हैं बट मैंने चूज़ किया है पिंक कलर, या पिंक ब्लैक एंड ग्रे, मैंने पिंक चूज़ किया है। बहुत ही प्यारा सा फिजीक उसका आ रहा था तो मुझे देख के बहुत वाव लगी, इसीलिए मैं इसको मंगवाने का सिर्फ एक वही रीज़न है क्योंकि मुझे देख के समझ आ गया था बहुत बेसिक ड्रेस है बट लुक इसका इज़ नॉट सो बेसिक। सो चलो ऊपर से मटेरियल इसका इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, लेट्स ट्राई दिस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए। ओके गाइस, सो दिस ड्रेस इज सो प्रिटी ब्यूटीफुल सेक्सी, क्या क्या बोलूँ मैं इसको, आप इसका फिट देखो एक बार कितना परफेक्टली फिट हुई है ये, मुझे इतने वाव। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये बेसिक बट नॉट सो बेसिक वो वाली ड्रेस है ये, इसमें फ्रंट स्लिट है, मैं थोड़ी सी अनकंफर्टेबल इसलिए आपको लग जाऊँ क्योंकि ना मेरा यहाँ पे बर्न हो रखा है, मैं आप लोगों को दिखाती बट कई लोगों को वो नज़ारा उतना अच्छा नहीं लगेगा तो इसीलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं इसको कवर्ड ही रखती हूँ, यहीं पर जला हुआ है इतना सारा। सो इसकी एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि इसका मटेरियल वेलवेट है बट बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल मटेरियल है इसका वेलवेट में भी, एंड यहाँ पे गैदर्ड फैब्रिक है थोड़ा सा, तो अगर आपका बेली फैट्स वाला इशू है वो भी इसमें आराम से कवर हो जाएगा, तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेली फैट्स है, पेट मोटा है, तो वो लोग भी इस ड्रेस को आराम से कैरी कर सकते हो और आप लोग उतने ही सेक्सी एंड सुंदर लगोगे। प्लस का कलर गाइज इतना प्रिटी गर्लिश, इतना प्यारा सा कलर है ना, मैं क्या बताऊँ, मुझे तो ये बहुत पसंद आई, मैं इसको पूरा 10/10 दूंगी अगर मुझे रेट करना हो ड्रेसेस को, तो दिस इज़ रियली वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। वी हैव समथिंग रियली सिंपल एंड बेसिक एंड डिसेंट, सो वो है ये, एंड दिस इज़ एम्ब्रॉयड्री कॉकटेल ड्रेस। यस, ये नीज तक की लेंथ पे आ रही है मॉडल को, और ये कुछ ऐसी सी है, और ये मुझे देख के ही लग रही है कि शायद ये मुझे लूज़ होने वाली है, अगर ये लूज़ हुई तो इसका पूरा लुक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इस ड्रेस में कुछ नहीं है इसके फिट के अलावा, अगर ये फिट ही नहीं अच्छे से हुआ तो फिर आई डोंट नो ये कैसे अच्छी लगेगी। एनीवेज एक जो चीज़ और मुझे इसमें लग रही है वो ये कि आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी बहुत ही क्लासी सी लग रही है बट जब मैं इन रियलिटी उसको देख रही हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। कितनी की है ये, 1600 समथिंग की है, उस हिसाब से आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मुझे ना कपड़ा अच्छा लग रहा है मुझे इसका, ना मुझे एम्ब्रॉयडरी सुंदर लग रही है, आई डोंट नो, पहन के देखते हैं इसको। सो गाइज मुझे लगा था मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर सिक्वेन एंड स्पार्कल पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक कुछ सिंपल सी ड्रेस ही मंगवा के देखती हूँ, और वो मेरा बहुत ही गलत डिसीजन था। अब देखो ये कितनी गंदी लग रही है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक तो पहले ही मैंने देखते ही बोला था कि इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क बहुत डिफरेंट है, जो पिक्चर्स में लोगों ने दिखाया वो बहुत क्लासी और इन रियलिटी नहीं है। प्लस का फिट लुक मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आई डोंट नो ये क्या सोच के इन्होंने बनाई है, बट आई डोंट नो मेरे ऊपर तो ये बिल्कुल ही मुझे पसंद नहीं आ रही है, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लूज है टाइट, मतलब क्या, आई डोंट नो, बट ये अच्छी नहीं लग रही है।
दूसरा इन्होंने ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉर्सेट टाइप फील देने के लिए वही जो कॉर्सेट में स्टिक्स टाइप लगे होते हैं वही लगे हुए हैं, बट ये बहुत ढीला है, वो फील भी नहीं आ पा रहा है। और दूसरा ये 1600 समथिंग की है, उस हिसाब से तो ये मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लग रही है, मतलब मैं इसके लिए 1600 कभी पे नहीं करूँगी। सो दिस इज़ अ प्योर डिसअपॉइंटमेंट, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। और पिक्चर्स में देख के आपको लगेगा कि इतनी क्लासी उस बंदी पे वो पहनी हुई लग रही है, उतनी चीप इन आई डोंट नो कैमरा पे आपको पता चल रहा है या नहीं, बट इन रियलिटी ये बहुत ही चीप सी ड्रेस लग रही है। सो और क्या ही बोलूँ मैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, और ये भी है स्प्लिट कॉकटेल ड्रेस। सबका नाम कुछ खास नहीं है, बस कॉकटेल ड्रेस, स्प्लिट कॉकटेल ड्रेस, ऐसे नेम्स रखे हुए हैं इन्होंने। ओके सो ये इसका फ्रंट है, फ्रंट है बोल रही हूँ, ये इसका फ्रंट है एंड देन दिस इज़ द बैक। और बैक पे ना इन लोगों ने कुछ ऐसे इन स्ट्रैप से कुछ क्रिस क्रॉस वाला फील दिया हुआ है। इसमें दो स्लिट्स हैं, एक इस तरफ, कहाँ गया, हाँ ये रहा, एक इस तरफ एंड देन सेम है इस तरफ। सो बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, बहुत ही प्रिटी फील दे रही है मुझे देखने के बाद, एंड आई थिंक इसका बहुत ही सेक्सी फील होने वाला है पहनने के बाद। तो चलो इसको ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी ये कैसी लगती है, मुझे तो अभी तो बहुत हाई होप्स है इससे। सो पहनने के बाद ये कुछ ऐसे लग रहा है, ये मुझे इतना परफेक्टली फिट हो गया है ना, वाओ। ऊपर से इसका इतना प्यारा ग्रीन कलर, इतना सेक्सी लुक है, आप इसकी बैक देखो एक बार। जब मैंने इसको पहना तो ये मुझे बहुत लूज था, तो मुझे लगा शायद ये ऐसे ही रहेगा, तो मैं इसको ना नोट्स वगैरह बांध के टाइट करी थी। फिर बाद में मैंने देखा तो पीछे ना स्ट्रैप्स एडजस्टेबल है, तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो और ये परफेक्टली आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। प्लस यहाँ पे दोनों साइड पे स्लिट्स है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, जो इसको और सेक्सी बना देता है। सो ये मुझे बहुत पसंद आया, प्लस इतना सॉफ्ट मटेरियल, इतना कम्फर्टेबल है ना पहनने के बाद, आप इसको ईजिली कहीं भी कैसे भी कैरी कर सकते हो फॉर पार्टीज, और आप उसको कैजुअली पहनने का मैंने तो भी आप पहन सकते हो, वैसे बहुत ग्लिटरी सा है बट कंफर्ट वाइज आप इसको पहन सकते हो। सो मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर है। नेक्स्ट इज दिस, और ये है फ्रेंच कॉकटेल ड्रेस, और ये कितना, कैसे बताऊँ मैं आपको, ये कैसा रेड है, ये अलग ही रेड है, देखना बहुत ही मतलब आंखों को चुभने वाला रेड बोलूँगी मैं, अजीब सी एक ब्राइटनेस है इस रेड में, टोमेटो रेड है ये शायद, आई थिंक हाँ वो ही है। ओके सो पहले मुझे लगा था इसमें बहुत बड़े बड़े फ्रिंजेस होंगे, बट ये बहुत ही छोटे छोटे से हैं, तो दैट्स वाई इसका नाम इन लोगों ने रखा फ्रिंज कॉकटेल ड्रेस। और इसका मटेरियल भी सेम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो पिंक सी ड्रेस पहनी थी ना कुछ उसके जैसा, और आई थिंक ये मुझे लूज़ होगी। ये भी बिल्कुल सिंपल बेसिक सी ड्रेस है, बट इसका मुझे कलर और लुक बहुत अच्छा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये मंगवाई है। सो चलो लेट्स ट्राई दिस, पहनने के बाद ये कुछ ऐसी लग रही है। दिस ड्रेस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल, बट ये मुझे लूज है, और जब भी ऐसे वाले ड्रेस मुझे लूज होते हैं ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है, मतलब क्यों, मुझे क्यों नहीं फिट हो रही अच्छे से। तो बिल्कुल बेसिक एंड सेक्सी सी ड्रेस है ये भी, इसका जो रेड कलर है वो मतलब वैसा रेड कलर है लाइक कोई भी स्किन टोन एकदम से ब्राइट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्शन सा मार रहा है स्किन पे, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सुंदर लग रही है पहनने के बाद, आप देख सकते हो इसका मटेरियल भी वही सॉफ्ट सा अच्छा सा वेलवेट इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है, और प्लस ये जो इन लोगों ने सितारों का काम किया हुआ है ये भी चुभ नहीं रहा है, तो ये भी मुझे देखने में लग रहा हुआ अनकंफर्टेबल सी, बट बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है, मैं इसको आराम से कहीं भी कैसे भी कैरी कर सकती हूँ। ऑल्सो ऐसी वाली ड्रेसेस का जो एक और फायदा मुझे लगता है कि आप बस ड्रेस पहनो एंड यू आर पार्टी रेडी, ड्रेस पहनते ही लगता है कि हाँ हम किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं। मिनिमल सी ज्वेलरी पहनो, आपको ज्वेलरी पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वरना सोचना पड़ता ना कि यार ज्वेलरी लाइक मैंने भी बहुत बेसिक से बहुत छोटे से सेट ये पहन रखे, अभी मुझे बहुत ज़्यादा ही मतलब लग रहा है कि इनफ है इस ड्रेस के लिए इतनी ज्वेलरी रिंग्स वगैरह। ऑल्सो अगर इस टाइप का गाउन आपको कुछ इस रेट में मिल जा रहा है फ्रॉम अर्बैनिक तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने एक बार इस टाइप का कुछ कहीं बाहर लोकल स्टोर से लिया था और उन लोगों ने मुझे बहुत महंगा दिया था, सो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हो तो आप अर्बैनिक कंसिडर कर सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ बट सीरियसली। नेक्स्ट इज दिस, और ये है रफल कॉकटेल ड्रेस, और ये बहुत ही क्यूट सी ड्रेस है। Let me show it to you guys. यही होता है जब लेट नाइट शूट कर रही होती हूँ ना, मेरा दिमाग हैंग सा होने लग जाता है। ये है इसका फ्रंट, बहुत ही क्यूट से कटआउट डिटेल्स है यहाँ पे, यहाँ से आपका लाइक ये वाला एरिया दिखेगा, और ये इसका बैक है, और यहाँ पे भी बहुत ही प्यारी डिटेल दी हुई है, लाइक इस शेप में ना नेट है, तो आई नो कि वो बहुत सुंदर लगने वाला है। इसका फिट बहुत अच्छा हुआ तो डेफिनेटली ये मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ही
क्यूट एंड सेक्सी सा लुक है इस ड्रेस का। ये मुझे देख के बहुत, मुझे ना यहाँ पे मॉडल के ऊपर पहने भी बहुत सुंदर लगी थी ये, तभी मैंने इसको मंगवाया था। सो इससे प्लस यहाँ पे नेक पे डिटेल्स दी हुई है, तो मुझे इसकी एक एक डिटेल जो उन्होंने दी हुई है ना, मुझे वो इतनी अच्छी लग रही है ना। चलो इसको ट्राई करते हैं। ओके गाइस, दिस इज सच अ क्यूट ड्रेस। जितनी ये मुझे देख के पसंद आ रही थी, उतनी ये मुझे पहनने के बाद भी पसंद आई। इसकी एक एक डिटेल मुझे इतनी अच्छी लग रही है। आप ये वाली डिटेल देखो, कुछ नेक पीस वगैरह पहनने की जरूरत नहीं, मैंने बस छोटे से स्टड्स पहने और वो ज्वेलरी भी इनफ लग रही है इस ड्रेस के लिए। इतनी प्रिटी लग रही है। आप ये कटआउट डिटेल्स देखो, ये वाला नेट वाला एरिया। ये ड्रेस बहुत ही क्यूट और बहुत ही सेक्सी भी है एक साथ, तो ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। इसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, फॉर पार्टीज, फॉर फ्रेंड्स बर्थडे पार्टीज, खुद की बर्थडे पार्टी या डेट नाइट्स, मतलब ये तो हर मल्टीपर्पज़ ड्रेस लग रही है। मुझे इतनी पसंद आई, क्लब्स पहन के जाना हो, ये इतनी सुंदर लग रही है ना। दिस इज़ समथिंग वाओ, ये मुझे बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी लगी है। और अगर इसके मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल ही बहुत कंफर्टेबल है। ये नेट जो मेरी स्लीव्स पे, मतलब बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है, बहुत ही देखने में बहुत ही ग्लिटरी एंड शाइनी सी ड्रेस है, बट बहुत ही कंफर्टेबल भी है। मतलब पूरा मैं आराम से इसमें डांस भी कर सकती हूँ, तो बहुत ही अच्छा वाला नेट और मटेरियल इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है। सो ये ड्रेस अगर मुझे रेट करना हो तो पूरे 10/10 है मेरी तरफ से, मुझे कोई कमी नहीं लग रही है। मतलब इतनी सेक्सी और इतनी कंफर्टेबल एक साथ है ये, तो ये मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट इज़ दिस, और ये है फ्रेंच कॉकटेल ड्रेस, और ये सिमिलर है समथिंग टू द वन जो मैंने अभी वो क्रीम कलर की पहनी थी, बट वो लॉन्ग में थी और ये शॉर्ट में है। इसके ना बहुत ही प्रिटी प्रिटी कलर्स हैं, ब्लू है, पर्पल है, ग्रीन है, सो मैंने सोचा था ग्रीन मंगवा के देखते हैं। सो ये इसका फ्रंट है एंड दिस इज़ द बैक। बिल्कुल बेसिक से ड्रेसेस को देख के मुझे वो ज़रा टच मी वाला फील लग रहा है देख के। सो चलो इसको पहन के देखते हैं ये लगती कैसी है पहनने के बाद। लेट्स ट्राई दिस ऑन। ज़रा टच मी। ये तो वही ड्रेस है बट कलर डिफरेंट है थोड़ा सा, फील तो मुझे वही आ रहा है इसको पहनने के बाद। मैं अपना पैर थोड़ा सा छुपा लेती हूँ ना, आपको जला हुआ निशान बराबर दिखता रहेगा वरना। सब देखो, ये मुझे बहुत ही प्यारी सी लग रही है ये ड्रेस, बिल्कुल परफेक्ट पार्टी ड्रेस है। आप इसमें आराम से डांस कर सकते हो और बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने के बाद। कपड़ा ही मुझे इसका अच्छा लग रहा है, कलर कितना प्रिटी लग रहा है। ये मुझे थोड़ी सी लूज़ है बट वो चीज़ ठीक है, क्योंकि ना इसका कपड़ा उतना बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, तो अगर ये बिल्कुल ही फिट हो जाएगा तो मैं इसे बिल्कुल कंफर्टेबल रह नहीं पाऊंगी, उठने बैठने में दिक्कत होगी। तो ये ऐसे ही अच्छी लग रही है, ये भी मुझे बहुत पसंद आई। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही डिफरेंट सा कलेक्शन इस बार आया है और बहुत ही डिफरेंट सा मुझे पहन के फील भी इनका लग रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग नाइस एंड डिफरेंट, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो जिस भी ड्रेस के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ या मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी सी और अलग सी लगती है, उसको मैं हमेशा एंटीरियर रखती हूँ। और इस पूरे हॉल में ही मैंने जो वीडियो मुझे सबसे ज़्यादा जो ड्रेस मुझे पिक्चर्स में देख के सबसे अलग लगी थी, उसको मैंने लास्ट के लिए रखा है। सो वो है ये, एंड दिस इज़ पैच वर्क कॉकटेल ड्रेस। ओके, सो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसको मैं खुद देख लेती हूँ ऐसा ना हो। ओके सी, सो ये है इसका फ्रंट। इसका फ्रंट बिल्कुल ही बेसिक और सिंपल है, बिल्कुल ही बेसिक, बिल्कुल प्लेन ब्लैक कलर की बॉडी हगिंग वाली ड्रेस होती है ना, वो इसका फ्रंट है। बट इसका जो लुक है वो पूरा बैक से है, बैक में दी हुई है इन लोगों ने ये वाली कुछ पूरी टेल। सो ये मुझे बहुत अलग सा लगा था, और सबसे पहले जब मैं ये ऑर्डर लगा रही थी इसी को मैंने ऐड टू कार्ट किया था, फिर इसके बाद पूरी वीडियो प्लान हुई थी। सो होप्स तो बहुत हाई है, लग तो बहुत अच्छा रहा है, मटेरियल ही मुझे इसका अच्छा लग रहा है, तो चलो इसको ट्राई करते हैं। सो गाइज, ये है वो रेड कारपेट ड्रेस। वैसे आज के कलेक्शन में कोई भी मुझे ऐसी रेड कारपेट ड्रेस नहीं लगी थी जैसे लास्ट टाइम आई थी, रिमेंबर दो तीन फिर भी थी शायद उसमें, इसमें सिर्फ एक ही है ये वाली जिसमें पीछे से टेल होती है। ये है मेरा रेड कारपेट मोमेंट, ये है मेरा रेड कारपेट मोमेंट। इसका फिट मुझे थोड़ा सा लूज है, तो उसका मटेरियल थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, और प्लस का लुक तभी आएगा क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, तो अगर फिट भी अच्छा नहीं हुआ तो ड्रेस का लुक ही ख़राब है। सो यहाँ से भी थोड़ा सा वियर्ड सा फील मुझे दे रही है, और प्लस बहुत ही आपको कुछ अंडरगार्मेंट्स बहुत ही सीमलेस पहनने पड़ेंगे, लाइक मैंने भी शॉर्ट्स पहने हुए हैं तो वो क्लियरली यहाँ पर दिख रहे हैं। और एक चीज़ और जो मुझे लग रही वो ये कि अगर आप इसको किसी पार्टी में पहन के जाते हो और आप अकेले हो तो आपको बार बार अपनी टेल को खुद संभालना पड़ेगा, कि वो बार बार तो ऐसे ऐसे घुमाना पड़ रहा है, मतलब वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो वो चीज़ दे रही है। लाइक या तो आपको कोई बंदा चाहिए अगर आप खड़े हो तो आपके लिए एडजस्ट करता रहे, जैसे रेड कारपेट पर होता है, बट मैं तो किसी रेड कारपेट में इसको पहन के जाऊंगी नहीं, मैं तो पार्टीज वगैरह में ही जाऊंगी। अदरवाइज अच्छी लग रही है, बहुत ही यूनिक सी डिफरेंट सी ड्रेस है, और तो मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में।
इस ड्रेस का आई थिंक लुक भी तभी आएगा अगर आप इसको अच्छे से एक्सरसाइज कर दो, थोड़ी हैवी ज्वेलरी जाएगी, बिकॉज बिल्कुल प्लेन ड्रेस, तो आप कुछ बड़ा सा नेक पीस, ईयर रिंग्स वगैरह पहनो, रिंग्स स्टैक करो अच्छे से, ब्रेसलेट वगैरह, तो ही ये आई थिंक अच्छी लगेगी। बाकी मुझे इससे थोड़े से और हाई होप्स थे, लाइक उतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे उतना नहीं मिला, बट ठीक है जो भी है, नाइस। तो ओके दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मुझे साइड ड्रेसेस बहुत पसंद आई, सिर्फ एक वो एम्ब्रॉयडरी वाली छोड़ के। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को सबसे अच्छी कौन सी लगी और मेरे ऊपर सबसे अच्छी कौन सी लग रही थी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोग मेरी इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे जितना मेरी पुरानी वीडियो को दिया था। और अब से मैं सोच रही हूँ कि जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में चार बेस्ट कमेंट आया करेंगे, मैं उनके नाम को शाउट आउट दिया करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, चार बेस्ट कमेंट्स को मैं शाउट आउट दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो होपफुली आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, देखने में मज़ा आया हो और थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।